हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में एक पूर्व सैनिक की 5 साल की मासूम बच्ची के इलाज के लिए तड़फने के मामले पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस के द्वारा भी पूर्व सैनिक की बेटी का इलाज न करने पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व सैनिक विपिन कुमार भी बच्चे के इलाज न किए जाने पर दुखी हैं, तो सरकार के एक मंत्री के बच्चे के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाने की बात पर रोष व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले कक्कड़ के पूर्व सैनिक विपिन कुमार अपनी 5 साल की बेटी आरुषि को लेकर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। बच्चे की टांग में 2 फ्रैक्चर आए हुए थे और सुजानपुर से रेफर की गई थी, लेकिन करीब 2 घंटे तक दर्द से तड़पती हुई बेटी को किसी भी डॉक्टर के द्वारा इलाज न किए जाने पर पूर्व सैनिक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिस पर डॉक्टर भी इलाज करने के बजाय बाहर भागते हुए दिखे थे। बाद में निजी अस्पताल में पूर्व सैनिक ने बच्चे का इलाज करवाया है। पूर्व सैनिक विपिन कुमार ने बताया कि इलाज न करने वाले डॉक्टर के लिए भी लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ने सीएम से अवार्ड जीता है और डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन फिर डॉक्टर ने बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के बच्चों के लिए पूरी सुविधा दी जा रही है और सामान्य मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ हुए व्यवहार की कहीं पर भी शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार वीडियो के माध्यम से इस मामले की जांच करवाए। मैं विपन, जिसकी बेटी का 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया, जिस कारण मैंने इलाज अपनी बेटी का प्राइवेट हॉस्पिटल कृष्णा हमीरपुर में करवाया। जब मेरे को एक पढ़े लिखे आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरी बेटी का इलाज नहीं हो रहा, बेटी 5 साल की ऐसे रो रही है कि मेरे को थर मारी कि मैं बाप होते कौन से हॉस्पिटल में आ गया, कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी में ऐसे कराऊं कि वही इलाज मेरी बेटी का टोटली ही 15 मिनट में हो जाता है। जिस इलाज के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे मेरे को वेट करना पड़ता है, वही इलाज टोटली 15 मिनट में हो जाता है और मैं 20 मिनट के बाद अपनी गाड़ी को सेल्फ मार के अपनी बेटी को अपने घर ले जाता हूँ। बस यही नोट किया जाए, स्वास्थ्य मंत्री शायद हेल्थ मिनिस्टर हमारे शायद है नहीं हिमाचल में, कि पत्नी मेरे हिसाब से तो है नहीं, पत्नी सीएम साहब खुद ही देख रहे होंगे, तो प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इतना बड़ा देश में संकट आ रहा है, बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसको कौन देख रहा है? और जो मंत्रीज हैं उनके बच्चों को सबसे बेस्ट प्रायोरिटी देने का, ताकि गरीब आदमी के बच्चे पीछे सड़ते मरते रहें, और जो मंत्री के बेटे हैं मंत्री के बेटे के लिए आप कुछ भी कर दो, और जो किसी नॉर्मल आदमी का बेटा है उसके लिए आप एक एम्बुलेंस भी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीता परमा ने कहा कि पूर्व सैनिक की बेटी अस्पताल में तड़पती रही है, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। वहीं एक मंत्री की बेटी गिरती है तो हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सैनिक की बेटी के साथ हुई घटना की जाँच की जाए और पता किया जाए कि किसने लापरवाही की है। एक बच्ची, फौजी की बच्ची अस्पताल में लाई गई थी और वो फौजी रोता रहा, चिल्लाता रहा 5 घंटे कि मेरी बच्ची जो है वो गिर गई है, उसका एक एक्सीडेंट हुआ है, उसको कोई देखे, लेकिन कोई डॉक्टर उसको देखने नहीं आया, किसी डॉक्टर ने कोई तवज्जा नहीं दी। उस फौजी ने उसका व्हाट्सएप बनाया और व्हाट्सएप वो सर्कुलेट किया। अफसोस की बात है कि हमारे जो एक मंत्री हैं हमारे भाजपा सरकार के, उनकी बेटी गिरती है तो उसके लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता बिलासपुर में और उसको वहाँ से लेकर उसको ठीक करने के लिए ले जाता है, लेकिन वो बेचारा एक फौजी, जो फौजी आज अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इस देश के लिए, उसकी अगर एक बेटी, उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो एक डॉक्टर नहीं उसको देखने जाता है। मैं तो ये कहूँगी कि इसके बारे में भी इंक्वायरी की जाए और पता किया जाए कि किसकी लापरवाही थी, उस बच्ची की तरफ क्यों नहीं देखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इलाज के लिए सभी के लिए एक समान काम होना चाहिए और अगर मंत्री की बच्ची के लिए हेलीकॉप्टर आता है तो आम जनता के लिए भी वैसे ही सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, मानवता की बात होती है, जीवन बचाना सबसे बड़ी महत्वता होती है। हम राजनीतिक जीवन में चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित है, हमारे लिए एक व्यक्ति का जीवन बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर कई बार सरकारी अगर हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है तो दूसरे लोग जो है उनके लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग होना चाहिए, तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन औरों के लिए भी ऐसी सुविधा
हमें आगे वाले समय में लानी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आम आदमी के लिए भी इस प्रकार की हेली टैक्सी सेवा और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाता है और बच्चे के इलाज के लिए किसी डॉक्टर ने लापरवाही की है इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल में जो आया है वो ट्रीटमेंट के लिए ही आया है, ट्रीटमेंट तो उसको मिलना ही चाहिए, बट मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। और मोर ओवर ये मेडिकल कॉलेज का मामला है, मेडिकल कॉलेज से डील हुआ है, वहाँ MS साहब ने उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया की है आई कैन नॉट से इट, क्योंकि इट डायरेक्टली कम्स अंडर मेडिकल कॉलेज। बट उस केस में स्पेसिफिकली क्या हुआ एंड व्हाई इट वाज नॉट अटेंडेड या बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लियर कट नॉलेज अबाउट द केस, तो मैं तो वैसे जैसा कि आप बोल रहे हैं उसके आधार पर बोल रही हूँ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी।